कहानी 38वीं, यीशुआ जो पकड़वाया जाना। हर साल यहूदी लोग फसेरा त्यौहार मना थे। इस खतर एक त्यौहार था क्योंकि सदिया पहले परमेश्वरारे पुरखे जो तीने मिस्र देशारे गुलामी ते छुड़ाए थे, तब 3 साल बाद यीशुआ ने सभी सामने शिक्षा सुनाना शुरू करी था। यीशुआ ने अपने सारे चेलिया जो बताया से तीना साथे यरूशलेमा च फसेरा त्यौहार मनाना चाह और से तिथि मारा जाना। यीशुआ रे चेलिया च एक यहूदा नामारा आदमी था। यहूदा प्रेरिता रातन रखने रा काम करा था, पर से तिस थैलिया में ते पैसे कड्डी लें था। यीशुआ और तीसरे चेलिया जो यरूशलेम पूजने ते बाद यहूदा यहूदी प्रधान आगे गया, तिने तनारे बदले यीशुआ जो तिनारे हाथ पकड़वाने जो बोलिया। से जाना था कि यहूदी प्रधान नहीं मानदे भई यीशु ही मसीह था। से जाना था से तिस जो मारना चाहते। महायाचिका रे बोलने पर यहूदी प्रधान यीशुआ जो तिना जो पकड़वाने खतर यहूदा जो 30 चांदिया रे सिक्के दिते। ए तिया ही हुआ जिया भविष्य वक्ता ने बोलिया था कि ऊना यहूदा मानेगा और तब पैसे ले के चलेगा। से यीशुआ जो पकड़वाने खतर तिनारी मदद करने रा समय रा इंतजार करने लग्या। यरूशलेमा च यीशुआ ने अपने चेलिया कने फसेरा त्यौहार मनाया। फसेरे खाना खाने ते बाद यीशुआ ने रोटी लीती और तोड़ी, तिने बोलिया इत्ते जो लो और खाई लो, ए मेरी देह ही जो आऊं तुसा जो देया, मेरी यादा च एड़ाई करना। यीशुआ ने इया बोलिया बई से तिना खतर मरी जाना, मतलब तिना खतर आपू जो बलिदान करी देंगा। तब यीशुआ ने एक दाख रसारा प्याला लिया और बोलिया इत्यो पियो, ए मेरी नई वाचारा खूना जो कि आऊं पींगा, तब परमेश्वर तुसारे पापा जो माफ करगा, और हर बार ए मेरी यादच करया करो जो आऊं अबू करने लगीरा। तब यीशुआ ने अपने चेलिया जो बोलिया तुसा बिचे ते एक जना मिंजो पकड़वांगा। चेले हैरान हुई गए और पूछने लगे कि कौन एड़ा काम करगा। यीशुआ ने बोलिया मिंजो पकड़वाने वाला से आदमी आ जिसो आऊं रोटी रा टुकड़ा देंगा। तब तिने रोटी यहूदा जो दीती। तीस रोटिया जो लेने ते बाद यहूदा च शैतान आएगा। यहूदा निकली के यीशुआ जो पकड़वाने खतर यहूदी प्रधाना री मदद करने चलेगा। ए राती रा समय था। खाने ते बाद यीशु और तीसरे चेले जैतून पहाड़ा पर चली गए। यीशुआ ने बोलिया तुसे सभी ने आज राती आऊं छड़ी देना, ए लिखिरा आऊं चरवाहे जो मारगा और सारी भेड़ा बिखरी जानियां। पतरसा ने बोलिया सारे जने ते जो छड़ी देंगे पर आऊं नहीं छड़गा। तब यीशुआ ने पतरसा जो बोलिया शैतान तुसा सभी जो लेना चाह, पर पतरस मैं ता खतर दुआ कीतरी बई तू किती अपनी बाता ते मुकरी ना जाओ, तब भी आज राती मुर्गे री बांग देने ते पहले तू 3 बार मुकरना बई तू मिंजो नी जानदा। पतरसा ने तब यीशुआ जो बोलिया आऊं चाहे मरी भी जाऊं आऊं कदी भी ता खतर नी मुकरना। बाकी रे चेलिया ने भी यही बोलिया। तब यीशु अपने चेलिया कने गतसमनी नामा री जगह च गया। यीशुआ ने अपने चेलिया जो प्रार्थना करने जो बोलिया बई शैतान तिनारी परीक्षा ना लियो। तब यीशु आपू प्रार्थना करने जो चलेगा। यीशुआ ने 3 बार प्रार्थना कीती, हे मेरे पिता उई सको तो आऊं हाथ जोड़ी के अर्ज करा, जे उई सको तो ए दुखा रा प्याला पीने खतर मिंजो ना दे, पर जे लोका रे पाप माफ करने रा और कोई रास्ता नहीं आ तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु बहुत उदास था और तीसरा पसीना खूना साई था। तिसो संभालने खतर परमेश्वरा ने एक स्वर्ग दूत भेजिया। हर बार प्रार्थना ते बाद यीशु अपने चेलिया गए वापस आया, पर से सोई रहे थे। जब यीशु 3री बार आया तब यीशुआ ने बोलिया उठ जाओ मिंजो पकड़वाने वाला इथी आ। यहूदी प्रधान सैनिक और बहुत सारे लोग ककने यहूदा आया, तिने तलवार और लाठिया ले रही थी। यहूदा ने यीशुआ गे आई के बोलिया हे गुरु नमस्ते और तिसो चूमया। तिने यीशुआ जो पकड़वाने और तीसरी पछाण करने खतर यहूदी प्रधान सामने एड़ा कित्या। तब यीशुआ ने बोलिया हे यहूदा
क्या तू एक चुंबना कने मिंजो पकड़वाना चाह। सैनिक जब यशुआ जो पकड़ने लग रहे थे तब पतरसा ने अपनी तलवार निकाली और महायाचक रे एक सेवकारा कान काटी था। यशुआ ने बोलिया, तलवार जो दूर कर, आव अपने पिता कने अपने बचावा खतर स्वर्गदूतर एक सेना खतर प्रार्थना करी सका, पर मिंजो अपने पिता री बात माननी। तब यशुआ ने 30 आदमी रा कान ठीक करी था। तब सारे चेले ने ठीके।